So welcome back again with the experiment of chemistry class 12, जिसमें हमने एक experiment के बारे में बात करी है, that is ferrous ammonium sulfate and KMnO4, which you all have done. You all have written in your journal also. आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक experiment की बात करने वाली हूँ, जिसमें एक minute changes है. यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करने वाली आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग फोकस कीजिएगा. और कुछ डाउट्स है तो मैंने जो वीडियोस आगे भेजे थे रिगार्डिंग दैट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल, इट इज वन एंड द सेम. तो आइए टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दैट इज एम. इन दिस यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन of given potassium permanganate solution by titrating it against the solution of 0.1 molar oxalic acid. वो जो हमने practical किया था, in that we all were using ferrous ammonium sulfate. अगर याद नहीं है तो वापस एक बार आप video देख लीजिए. तो ferrous ammonium sulfate आप लोगों ने जैसे polymer class में लिया था, with that you were taking 1:2H2O. ये जो experiment exactly same है. Here what you are going to use is the conical class. In this conical class you are going to use, have a look, oxalic acid and 1:2H2SO4. इसके साथ आपको ये conical class को थोड़ा बहुत heating करना है, मतलब वो practical. Always remember, ferrous ammonium sulfate जब भी आपके पास आए उसमें heating की जरूरत नहीं है. And when oxalic acid comes in that, heating is required, and heating that is up to, have a look, that is up to 50 degrees to 60 degrees Celsius. अगर कोई बच्चा पूछता है that teacher, how come we know, here we are not using any thermometer, so how come we know it is 50 to 60 degrees Celsius, तो उसका आंसर है, जैसे ही थोड़े थोड़े फ्यूम जहां से निकलने शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए पॉलीमर फ्लास्क का मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना टेम्परेचर हो गया होगा. बॉइलिंग नहीं करना है, सिर्फ फ्यूम्स निकलेंगे थोड़े, तो आप समझ जाइए कि इट इज 50 to 60 डिग्री. एंड सेम ईयर यू आर गोइंग टू यूज KMnO4 इन द ब्यूरेट एंड यू आर गोइंग टू टाइट्रेट. उसका जो कलर चेंज है दैट इज कलरलेस टू लाइट पिंक. इसके साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, ये दो एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंजेस है, आपको कॉनिकल क्लास को रीड करना है, इसीलिए इट इज वन एंड द सेम, नियरली सेम. तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है, आपको दो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, यू हैव टू राइट इन योर जर्नल. ये जर्नल मैंने आपको एक दो बार दिखाई हुई है, वापस से आपको दिखा रही हूँ, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जर्नल. You have to write experiment number 1 and experiment number 2. इसके साथ मैं आपको सारे photographs भी अभी भेज रही हूँ, तो आप लोगों को practicals के release में से जो photographs मैं भेजूंगी, तो उसमें से आपको copy करना है. सिर्फ क्या copy नहीं करना है, आप you don't have to write any observation. यहाँ पे when you are going to move further, अब देखिए video को अच्छी तरह से सुन लीजिए. यहाँ पे जो calculation part है, दिस कैलकुलेशन पार्ट किसी को भी लिखना नहीं है. यहाँ पे एक नोट लिख रही हूँ, प्लीज डू नॉट शो एनी कैलकुलेशन एंड रीडिंग इन योर जर्नल. ठीक है, ये सारी चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू कम इन द क्लास ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल एंड वी आर गोइंग टू टेक रीडिंग्स. तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 एज वेल एज एक्सपेरिमेंट 2 में रीडिंग कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है. जितनी चीज मैं आपको सेंड कर रही हूँ उतनी ही चीजें आपको लिखनी है. सो प्लीज कॉपी ऑल द थिंग्स आई एम सेंडिंग यू. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लर्न मैजिकल केमिस्ट्री. थैंक यू.